राजस्थान विधानसभा चुनाव से कुछ समय पहले ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सचिन पायलट के नाम पर बड़ा संकेत दिया है। अमित शाह का एक ऐसा बयान जिससे राजस्थान की राजनीति में बड़ी हलचल मच गई है और सियासी माहौल गर्म हो गया है। समय समय पर सचिन पायलट के नाम को लेकर बीजेपी और कांग्रेस में राजनीति तेज होती रही है। अब अमित शाह के इस तरह के मिले संकेत ने नई सुगबुगाहट तेज कर दी है। इसके कई सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। चुनाव बेहद नजदीक है और सियासी समीकरण और दावपेच तेज हो गए हैं। दरअसल एक निजी चैनल के कार्यक्रम में अमित शाह से सवाल किया गया कि बीजेपी और सचिन पायलट के बीच बातचीत चल रही है, ऐसा पहले भी हो चुका है तो इसके मायने क्या है। इस सवाल पर अमित शाह ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन ये कहा कि उन्हें लगता है कि तीन राज्यों के चुनाव में सबसे बड़े बहुमत से राजस्थान में ही जीत मिलेगी। अमित शाह ने अशोक गहलोत पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से अशोक गहलोत ने यह सरकार चलाई है, इसलिए कांग्रेस आलाकमान उन्हें बदलना चाहती थी, उन्हें कांग्रेस अध्यक्ष बनाना चाह रही थी, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया, उनके यहाँ इंटरनल प्रॉब्लम्स है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सभी सवालों पर खुलकर जवाब दिया, लेकिन जब सचिन पायलट का नाम लिया गया तो उन्होंने कोई जवाब न देकर उसका दूसरा जवाब दे दिया, जिसे एक बड़े संकेत के तौर पर देखा जा रहा है। विधानसभा चुनाव से पहले अमित शाह के इस संकेत से सियासी गलियारे में हलचल तेज हो गई है। सभी अपने अपने हिसाब से अनुमान लगा रहे हैं। अब ये तो वक्त ही बताएगा कि राजस्थान की राजनीति में ऊंट किस करवट बैठेगा।